सब मूवी मेनियक्स वेलकम बैक टू रियल रेव्स। मैं हूं जय शाह, आपका होस्ट और दोस्त, और आज हम बात करने वाले हैं जूही चतुर्वेदी के बारे में। यस, द ब्रिलियंट स्क्रीन राइटर जिन्होंने मेल कैरेक्टर्स को अपनी ही एक अलग ही पहचान दी है। सो गेट रेडी फॉर अ वाइल्ड रोलर कोस्टर राइड। एज अ राइटर अपना डेब्यू किया था 2012 की मूवी विकी डोनर से। ये आयुष्मान खुराना और यामी गौतम की भी डेब्यू मूवी थी। इस मूवी में स्पर्म डोनेशन के टॉपिक को टच किया गया था, जो कि उस टाइम पे थोड़ा बहुत, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एक तरह का टैबू ही था। और जूही चतुर्वेदी ने एकदम क्लासी तरीके से उसमें ह्यूमर और इमोशंस का इतना अच्छा मिक्सचर किया था कि क्या बताऊँ। मतलब लाइक विकी के जो पेरेंट्स बताए हैं, जो विकी की दादी है, जो यामी के पेरेंट्स बताए, डॉक्टर चड्ढा के कैरेक्टर में तो अनु कपूर ने जान ही डाल दी थी। उनके अलावा मैं किसी और को इस कैरेक्टर में इमेजिन नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल बॉस। मिस्टर राय, आपके लिए तो बड़ा प्रेशर होगा ना, क्यों? बेटी डिवोर्सी और बहन बैचलर और तू विडो। अपने इतने अमेजिंग डेब्यू के बाद जूही ने सुजीत सरकार के साथ मिलके और दो खूबसूरत फिल्में दी। पहली थी पीकू और दूसरी थी अक्टूबर। पीकू में हम इंट्रोड्यूस होते हैं पीकू यानी कि दीपिका पादुकोण और भास्कर दा, उसके इरिटेटिंग पिताजी, जो इरिटेटिंग तो थे बट एक वे में फनी भी थे। ये कैरेक्टर प्ले किया था लेजेंडरी एक्टर मिस्टर अमिताभ बच्चन ने। और राणा को कौन भूल सकता है, दिस इज प्लेड बाय ब्रिलियंट एक्टर मिस्टर इरफान खान। और पीकू में जूही चतुर्वेदी का जो राइटअप था, उन्होंने भास्कर दा के कैरेक्टर को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। भास्कर दा इज एक्सेंट्रिक, चार्मिंग, इरिटेटिंग, बट ही वुड नेवर फेल टू मेक यू लाफ। बिकॉज आई एम ए क्रिटिकल पर्सन, ब्रूटल एंड ऑनेस्ट। हमारा जो ओपिनियन है उसके बारे में वो है। अब फिर से थोड़ी बात कर लेते हैं विकी डोनर की। विकी डोनर के फर्स्ट हाफ में विकी यानी कि आयुष्मान खुराना जो होता है वो एकदम बिंदास बंदा होता है, जिसको कल की कोई फिक्र नहीं है। उसको घूमना है, मजे करने हैं, मौज करनी है, ऐशो आराम करना है। और अनु कपूर कैसे उसे स्पर्म डोनेशन के लिए मनाता है, वो टोटली मतलब देखने लायक होता है और एक मजेदार एक्सपीरियंस होता है। इट वॉज अ टोटल लाफ रायट। और जूही चतुर्वेदी ने धीरे धीरे उसके आयुष्मान के कैरेक्टर्स में अलग अलग लेयर्स क्रिएट किए हैं। और सेकेंड हाफ के बाद हम देखते हैं कि आयुष्मान का कैरेक्टर जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सीरियस होता जाता है, और ये मूवी एक खूबसूरत लाइफ लेसन के साथ एंड होती है। अब बात करते हैं अक्टूबर मूवी की। अक्टूबर मूवी में लीड कैरेक्टर जो है डैन, वो वरुण धवन ने प्ले किया है, और शिवली का कैरेक्टर प्ले किया है बनीता संधू ने। जूही चतुर्वेदी ने इस मूवी में वरुण धवन का कैरेक्टर जो है डैन, उसको इतना खूबसूरती से पेश किया है कि लाइक देखने वाले को एक अपनापन सा लगता है, एक अटैचमेंट आ जाता है उस कैरेक्टर के साथ। डैन का जो कैरेक्टर है वो केयरलेस है, गलतियाँ करता रहता है, अपनी ही धुन में रहता है, पर फिर भी उसके अंदर एक मासूमियत छलकती है, और उस मासूमियत को जूही ने बड़ी ही बखूबी से बयां किया हुआ है। और जब हम सेकेंड हाफ के बाद देखते हैं कि शिवली का जब एक्सीडेंट होता है, तो डैन की जो सेंसिटिव साइड है वो उभर कर आती है। कैसे वो अपना शिवली के लिए प्यार एक्सप्रेस करता है, पर फिर भी जब लास्ट में ये चीज़ अननोटिस रह जाती है ना, तो एक जात का, एक टाइप का कोहरा, एक टाइप का जो हम बोल सकते हैं कि एक दुख जो है वो दुख भी हम फील कर सकते हैं, और यही पावर है जूही के राइटिंग का। दस महीने में 2 दिन नहीं मिले तुम्हें घर आने के लिए। यू गो डन, यहाँ सब कुछ मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। आई एम सॉरी। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जूही के जो मेल कैरेक्टर्स है बॉलीवुड में, विकी डोनर से लेके अक्टूबर तक, उन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है मेल कैरेक्टर्स की राइटिंग में, और हमको ऐसे मेल कैरेक्टर्स दिए हैं जो वाकई अनफॉरगेटेबल है,
जिससे हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, वो ना ही कोई माचो मैन है, ना ही कोई सुपर हीरो है, बस मेरे और आपके जैसे एक इंसान है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।